गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आईसीएसई बोर्ड सब्जेक्ट हिंदी क्लास फर्स्ट चित्र कथा। लास्ट वीडियो में भी हमने एक चित्र कथा देखी थी जिसका नाम था शेर शावक का जन्मदिन। अभी भी हम एक दूसरी चित्र कथा देखने जा रहे हैं जिसका नाम है बच्चों की चतुराई। बच्चों की चतुराई। बच्चों, आपके सामने जो चित्र कथा दिखाई दे रही है, कुछ चित्र दिखाई दे रहे। लास्ट चित्र कथा में भी ऐसे ही चित्र थे और उनके आधार पर हमने एक कहानी बनाई थी, चित्र कथा बनाई थी। यहाँ पर इस चित्र कथा को नाम दिया है बच्चों की चतुराई। आपको 6 अलग अलग पार्ट दिखाई दे रहे उस कहानी के। आप अच्छे से देखेंगे तो पहले चित्र में 3 जो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले, वो स्कूल यूनिफॉर्म में जा रहे रास्ते से, और बीच में से काफी गाड़ियां जा रही है, और उस रास्ते के उस पार वहां पर एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे के साथ फुटपाथ पर खड़ी है। उसे डर लग रहा है गाड़ियों का और वो रास्ता पार नहीं कर पा रही। सेकेंड जो पिक्चर है उसमें भी बच्चे देख रहे उस बूढ़ी औरत की हालत। वो समझ गए कि ये जो बूढ़ी औरत है ये संकट में है या उसे मदद की आवश्यकता है। फिर तीसरे पिक्चर में बच्चों कुछ आपस में बातचीत करते हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान आया है। फोर्थ पिक्चर में वो समझ गए बच्चे, और उसी समय फिर वो आगे जाते हैं और गाड़ियों को रुकने का इशारा करते हैं। गाड़ियां रुकती है और वो बच्चे उस बूढ़ी औरत के बच्चों को लेकर रास्ता पार कराते हैं। बच्चों का यहाँ पर एक सहयोग दिखाई देता है, ऐसे एक दूसरे को सहयोग सहायता करेंगे, मदद करेंगे तो सभी हमेशा सफल होंगे। तो इस तरह की एक कहानी है और इस कहानी को अभी हमें बनाना है अच्छे से। मैं आपको ये कहानी अच्छे से सुनाता हूँ। इन पिक्चर के आधार पर और कुछ अपने वर्ड उसके अंदर ऐड करके लंबी चौड़ी कहानी बनानी है। देखते हैं, कहानी का नाम है बच्चों की चतुराई। एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे के साथ सड़क के एक और फुटपाथ पर खड़ी थी। देखो बच्चों, जो चित्र में दिखाई दे रहा है वही हम बताना लेते हैं। एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे के साथ सड़क के एक और फुटपाथ पर खड़ी थी। वो काफी देर से खड़ी थी। उसे इंतजार था कि कब ट्रैफिक कम हो तो उस बालक को सड़क के दूसरी ओर भेज सके। उसके हाथ में एक बालक है, उसे रास्ता क्रॉस करना है। वो सोचती है ट्रैफिक कब कम हो और मैं इस बालक को रास्ते के उस ओर छोड़ू। तभी दूसरी ओर के फुटपाथ पर 3 स्कूल जाने वाले बच्चे अपनी यूनिफॉर्म में दिखलाई दिए। फुटपाथ पर 3 स्कूल के बच्चे जा रहे स्कूली के यूनिफॉर्म पहनकर, जिनमें 2 लड़कियां थी और एक लड़का था। काफी बातें करते हुए जा रहे थे और उन बच्चों ने उस बूढ़ी स्त्री के चेहरे के हाव पाव देखकर समझ लिया कि वो अपने बच्चों को सड़क पार करवाना चाहती है। तो 3 स्कूल के बच्चे होशियार थे, समझदार थे। वो समझ गए कि इस बूढ़ी औरत को बच्चों को सड़क पार करवाना है।
क्योंकि वो बच्चा भी बार बार सड़क की ओर उतरकर जाने का प्रयास करता, पर वो बूढ़ी औरत आती जाती गाड़ियों को देखकर दुर्घटना होने के भय से उसे जाने न देती। पर सिलसिला जारी है, गाड़ियां जा रही है, बूढ़ी औरत का बच्चा बार बार रास्ते पर उतर रहा है, वो उसे पीछे खींच रही है, और स्कूल के बच्चे देख रहे हैं। इन स्कूल जाने वाले बच्चों ने स्थिति को भांप सामने आते गाड़ियों को रुकने का इशारा किया। स्कूल जाने वाले बच्चों को स्थिति का अंजाम आया था, उन्होंने रास्ते पे जो गाड़ियां जा रही थी उनको रुकाया। गाड़ियां रुकने पर उन्होंने फुटपाथ पर खड़े उस बच्चों को साथ लिया और सड़क पार करवा दी। वहां आसपास के खड़े लोग ये नजारा देख रहे थे। उन्हें बच्चों के सहयोगपूर्ण व्यवहार और समझदारी को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। वहां पर जो भी गाड़ियां चला रहे थे वो लोग सब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए कि देखो स्कूल के बच्चों का व्यवहार, इनका समझदार, इनकी समझदारी, इनका सहयोग। यदि ये बच्चे उस अकेले बच्चे की सहायता न करते तो शायद उसे वही खड़े रहना पड़ता। पढ़ने लिखने वाले बच्चे बड़े समझदार, चतुर और मिलजुल कर काम करने वाले होते हैं। जो बच्चे मिलजुल कर रहते हैं, लड़ाई नहीं करते, वो हमेशा जिंदगी में सफल होते हैं। बच्चों, आपको भी ऐसा ही करना है। आप सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, समझदार हैं, चतुर हैं, आप मिलजुल कर काम करने वाले, लड़ाई नहीं करने वाले, तो आप भी हमेशा सफल रहेंगे। इस तरह बच्चों की चतुराई, ये सारे चित्र के आधार पर हमने ये कहानी सुनाई आपको। कहानी आपको अच्छी लगी होगी, आपको भी आगे इसी तरह की कुछ चित्र देखकर कहानी बनानी होगी।